सब आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ रक्षाबंधन स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल, जो है बहुत क्विक और बहुत ही इजी और बहुत ही सारे कम प्रोडक्ट आपको यूज करने पड़ेंगे। तो जो भी प्रोडक्ट मैं यूज करूंगी उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज जाके चेक कर लेना। और ये जो मेरा मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है बहुत ही इजी वे में क्रिएट किया है, क्या क्या प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। प्लीज अगर आपको आज का मेरा ये रक्षाबंधन मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आए तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हाँ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का बहुत वेट करती हूँ। मेकअप ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे जो भी न्यू वीडियो अपलोडेड होंगे वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो गाइज यहाँ पर हम मेकअप शुरू करते हैं, लेकिन फेस वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, ताकि हमारा जो मेकअप है अच्छे से टिक सके उसके ऊपर, हमारे फेस के ऊपर। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लगाया है स्टेक वेरके का प्राइमर, जो कि है बहुत ही अच्छा, और प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइमर लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैक्मे का 925 मूज फाउंडेशन, और ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, एकदम लाइट वेट है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने चेहरे पे कुछ लगाया है। डोंट वरी, ज़रूरी नहीं है मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूँ वो ही आपको यूज़ करने हैं, उसके अलावा भी आप अपने फेवरेट जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो कोई भी ब्रांड का। तो जब भी आप मेकअप करें तो ज़रूरी है नेक पर फाउंडेशन लगाना या सीसी क्रीम, बीबी क्रीम लगाना। तो अच्छे से यहाँ पर मैंने लगा लिया है मूज फाउंडेशन। उसके बाद फिर मैं लैक्मे का कंसीलर यहाँ पर लगा रही हूँ, और अंडर आई के नीचे कंसीलर लगाना काफ़ी ज़रूरी है, जहाँ भी आपको एक्ने है उस पर आप इस तरीके से डॉट डॉट करके लगा दीजिए, और फिर फिंगर के वाया इसको आप मिक्स कर दीजिए। आप चाहो तो इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन बहुत ही क्विक सा मेकअप बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई मेकअप नहीं कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं फिंगर से ही मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया था, डे मेकअप है, तो यहाँ पर मैं सन एक्सपर्ट का कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी लूज पाउडर भी लगा सकते हो। तो बस इस तरीके से हमें कॉम्पैक्ट पाउडर लगा देना है, ताकि हमने जो मूज फाउंडेशन लगाया है वो कुछ टिक सके। तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। तो कॉम्पैक्ट लगा लेने के बाद यहाँ पर मैं अपने आईब्रो को सेट कर देती हूँ आईब्रो पेंसिल से, ताकि हमारी आईब्रो जो है वो अच्छे से हाईलाइट हो सके। तो आईब्रो को इस तरीके से हमें अच्छे से कॉम कर देना है, ताकि इवनली हमारी आईब्रो अच्छे से दिखे। देन नेक्स्ट यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक का ब्लैक काजल, और ये काजल है मेरा फेवरेट काजल है, और जो भी आप मेरी वीडियो देखते हो तो मैं अपने हर मेकअप ट्यूटोरियल में यही वाला काजल यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर काजल लगा लिया है, और उसके बाद फिर हमें आई शेडो यूज़ करना है। तो यहाँ पर आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फैशन फैक्ट्री का आई पैलेट। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने डार्क पर्पल कलर यूज़ किया है, क्योंकि मेरी जो साड़ी है वो भी कुछ पर्पल कलर की है इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने हल्का हल्का सा पर्पल कलर लगा लिया है आई शेडो से, और बहुत ज़्यादा हाई मेकअप नहीं किया है मैंने, क्योंकि मैंने आपको पहले भी दिखाया है क्विक सा मेकअप है, डे मेकअप है, इसलिए मैं चाहती हूँ थोड़ा सा लाइट मेकअप हो, बहुत ज़्यादा हाई ना हो। तो उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पर लाइट ऑरेंज कलर साइड पर, ताकि हमारी जो आईज है वो अच्छे से दिखें। आपने जो भी कपड़े पहने उस तरीके से आप लगा सकते हो। तो आई शेडो करने के बाद यहाँ पर लगा रही हूँ मैं लैक्मे का आईलाइनर, और ये आईलाइनर बहुत ही अच्छा आईलाइनर है गाइस, इसको लगाने के तुरंत ही बाद ये सूख जाता है, अच्छे से ड्राई हो जाता है, इसलिए जो भी मेकअप बिगिनर्स हैं वो इसको परचेज कर सकते हैं। और आईलाइनर जो है कैसे लगाना है उसका वीडियो मैंने एक सेपरेट बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ चेक कर लेना, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर मैं आईलाइनर लगा दूंगी। वैसे आईलाइनर जो है मेरे पास NYB का भी है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लैक्मे का ही लगता है।
नेक्स्ट यहाँ पर हम लगाएंगे लैक्मे का ही आइकॉनिक मश्करा, और ये मश्करा बहुत ही अच्छा है और इससे जो है आपके आंखों को अच्छे से वॉल्यूम भी आता है, तो मश्करा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप आईलाइनर नहीं लगा पाते हो तो मश्करा आप ज़रूर लगाइए, आपकी आंखों का एकदम लुक ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोनों आईज में मश्करा लगा लूँगी। मश्करा लगाने से आपने जो कॉम्पैक्ट पाउडर या तो फिर फाउंडेशन यूज़ किया होता है तो वो कुछ वाइट वाइट है तो आपके आँखों में लग जाता है। मश्करा लगाने से बहुत ही आँखें आपकी अच्छी दिखती हैं, लुक अच्छा आता है आईज़ का। तो मश्करा लगा लेने के बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट मैट लिपस्टिक, और इसका भी रिव्यू मैंने आप सभी लोगों को दिखाया है, प्लीज़ आप इसका रिव्यू चेक कर लेना, इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये बुलेट लिपस्टिक है लैक्मे की, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, आप देख सकते हो। लिपस्टिक लगा लेने के बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बिंदी, जो बहुत ही ज़रूरी है, हम इंडियन लोगों को लगाना तो ही मेकअप बहुत ही अच्छा उभर के आता है और आपके मेकअप में चार चांद लग जाते हैं। तो बिंदी लगा ली है, ईयरिंग्स मैंने पहन लिए हैं और मैंने पहनी है यहाँ पर बनारसी साड़ी जो कुछ रेड और इस तरीके से नेवी, डार्क नेवी ब्लू कलर है। और लास्ट पर मैं यहाँ पर लगा लूँगी मेरा फेवरेट नाइक का परफ्यूम। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा मेकअप फिनिश हो गया है और बहुत ही इजी और क्विक मेकअप है, कुछ बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं किए हैं। हमें डे मेकअप करना था, रक्षाबंधन स्पेशल मेकअप करना था तो वो डे मेकअप ही होता है, तो बस बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्ट और हाई मेकअप मैंने यूज़ नहीं किया है, बहुत ही इजी है और क्विक है। तो अगर आप चाहो तो इस रक्षाबंधन पर आप ही इजी क्विक एंड ब्यूटीफुल मेकअप ट्यूटोरियल यूज़ कर सकते हो, बहुत ही इजी मेकअप था और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है मेकअप। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, अगर आपको आज का मेरे मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो ये जो मेकअप ट्यूटोरियल है, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स मिल सके और वो भी कुछ मेकअप करना सीख सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो या तो फिर व्लॉग में, जब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और हाँ जाने से पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।